नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल डीजी स्टडी क्लास में। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबी 2 का रिजल्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, जो कि देखिए आप लोगों को पता होगा, आज जो रिवाइज मार्क्स की कट ऑफ आ गई है, रिवाइज रिजल्ट की प्लस रिवाइज मार्क्स आपके हो चुके हैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके आ चुके हैं, प्रोरेटेड मार्क्स जो आपके होने थे वो हो गए, पार्ट बी में जो आपको डाउट्स थे सारे डाउट रेलवे ने क्लियर कर दिया, पार्ट बी के मार्क्स भी अपलोड कर दिए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब आपको ये पता बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है फाइनल आंसर की के बाद। किस किस से बताऊंगा, एएलपी कितनी कट ऑफ रहेगी, टेक्नीशियन कितनी कट ऑफ रहेगी, पीसीएम ट्रेड कितनी कट ऑफ रहेगी, जनरल ओबीसी एससी एसटी सारी जितनी भी आप कैटेगरी वाइज मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। देखिए जोन में आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, पार्ट बी में क्वालिफाइंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे वही बताऊंगा, 35 मार्क्स चाहिए या 26.33 मार्क्स चाहिए। आपका रिजल्ट जो है वो 6 अप्रैल को आएगा, तो ये गांठ बांध लीजिए, आपका रिजल्ट जो है वो 6 अप्रैल 2019 में ही आएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ये बेल आइकन बटन दिख रही है इस बटन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस या फ्रेश अपडेट्स या कोई अदर इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब की नोटिस हम आप ही लाते हैं सबसे पहले आपको मिले। देखिए वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते, देखिए आप लोग हमारी भी इतनी मेहनत है, टीम भी इसके पीछे पूरी है, मेहनत भी काफ़ी करते हैं वो लोग, तो आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। तो सबसे पहले जो बात करने वाला हूँ मैं आपकी एएलपी सीबी 2 एएलपी कट ऑफ की बात करने वाला हूँ। देखिए एएलपी की जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, उसमें आप लोग उसे मैं बताऊंगा आपको डेंजर जोन की कट ऑफ, मतलब जो आपके टॉप डेंजर जोन रहेंगे मैं आपको वहाँ कट ऑफ बताने वाला हूँ। डेंजर जोन जैसे मान लीजिए आप अलाहाबाद एक हो गया, भोपाल एक हो गया, अजमेर हो गया, प्लस आपका कोलकाता हो गया, मालदा हो गया, ये सब क्या है आपके टॉप डेंजर जोन है। तो यहाँ की मैंने कट ऑफ बताई है आपको। और अगर आप लोग बात करें इजी जोन की, जैसे भुवनेश्वर हो गया, गुवाहाटी हो गया, देन आपका गोरखपुर भी टफ ही में मानेगा आपका, और भुवनेश्वर गुवाहाटी सिलीगुड़ी आपका तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे आप लोग इस कट ऑफ से 5 नंबर लेस मानिएगा। सपोज करिए अगर आपकी अलाहाबाद की मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, सपोज करिए 56 नंबर, तो यहाँ से आप लोग 5 नंबर से इसमें कम कर सकते हैं, 4 से 5 नंबर कम आएगी आपकी, जो आपके डेंजर जोन या सेफर जोन जो है वहाँ पे 4 से 5 नंबर कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ अपर साइड की बात करने वाला हूँ, यानी कि टफ साइड की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसको इस चीज़ को लेकर आप लोग कोई डाउट मत रखिएगा अपने मन में, बिकॉज आप लोग फिर मुझसे कट ऑफ करेंगे सर मेरे आरआरबी में ये जोन में इतने कट ऑफ है, उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। कि देखिए आप लोग थोड़ा सा तो कॉपरेट कर ही सकते हैं, अब ये मत कहिएगा सर मेरे गुवाहाटी जोन में 50 नंबर है तो आप मुझे बताइए सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखते हुए कमेंट करिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो में कट ऑफ कितनी रहने वाली है। देखिए एएलपी पोस्ट की जो आपके डेंजर जोन है वहाँ पर कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो डेंजर जोन मैंने बताया आपको इलाहाबाद, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, मालदा, गोरखपुर, अजमेर, ये सब क्या है आपके डेंजर जोन है। तो यहाँ जो आपकी जनरल कट ऑफ रहने वाली है 55 से 60 नंबर है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है और ये डेफिनेटली कट ऑफ इसी के बीच में लाई करेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, मेरा 100% आपसे वादा है। ओबीसी की बात करें तो 52 से 56 नंबर आपकी कट ऑफ रहने वाली है, बिलीव करके देखिएगा कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है। एससी की बात करें तो 46 से 50 नंबर तक जाने वाली है आपकी कट ऑफ एएलपी की, एसटी के लिए 43 से 46 मार्क्स तक जाएगी कट ऑफ। और देखिए जो भी मेरे भाई लोग का एएलपी में अगर उनके इतने नंबर आ रहे हैं, 53+ मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के, तो आप लोग एएलपी सीबीटी 3 की तैयारी कर दीजिए, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास लगभग लगभग 16 दिन उधर और 5-6 दिन यानी 20-22 दिन आपके पास टोटल है, आपको पूरा सीबीटी तैयार करना है, क्या क्या स्टेप, साइको टेस्ट पूरा याद कर लीजिए, एक एक चीज़ को पकड़ लीजिए, बिकॉज उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा गवर्नमेंट जॉब लेने का, इससे बढ़िया बेस्ट मौका नहीं है। और जिन भी बच्चों के मार्क्स कम है तो वो देखिए मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जो भी मैंने कट ऑफ बनाई है वो मैंने जो आपके टॉप डेंजर जोन है उसको ले कट ऑफ बनाई है, जो मैंने आपको बता दिया डेंजर जोन कौन कौन से हैं, प्लस सेफर जोन की आप इससे -5 कर लीजिएगा। तो मैं यहीं पे आपको सेफर जोन के लिए बात कट ऑफ बताता हूँ, नहीं तो आप बाद में गुस्सा करेंगे। यहाँ 50 नंबर मान सकते हैं आप, यहाँ पे 47 से 48, यहाँ पे आप मान सकते हैं 41 से 44, और यही बात करें यहाँ पे 38 से 41 तक मार्क्स मांग सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगर बात करें टेक्नीशियन कट ऑफ, देखिए टेक्नीशियन में क्या है, टेक्नीशियन में पोस्ट वाइज डिफरेंस आ सकता है थोड़ा बहुत, बता दूँ आपको। जैसे कि आपकी एक पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन कट ऑफ आपकी 5 नंबर ज़्यादा आप मान के चलिएगा, जो आपका 5 नंबर ज़्यादा जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। प्लस एक एक आपकी एयर ब्रेक सिस्टम वाली आती है, जो आपका ब्रेकिंग रूम में रहता है, उसकी कट ऑफ भी लगभग 5 नंबर ज़्यादा मानिएगा। यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, बिकॉज इसकी सैलरी काफ़ी हाई होती है, तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा रहने की पूरी पूरी संभावना है। दो बातें आप जो याद रखें, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्लस आपकी एयर ब्रेक वाला जो हाइड्रोलिक वाला पोर्शन वाला होता है, उसकी 5 नंबर कट ऑफ जाने वाली है। थर्ड बता दूँ आपकी RAC और वेल्डर जो ट्रेड है, इनकी कट ऑफ कम रहने वाली है, 2 से 3 नंबर इनकी कट ऑफ कम रहेगी। जो मैं कट ऑफ बताऊँगा उससे 2 से 3 नंबर आप लोग कम कर लीजिएगा RAC और वेल्डर ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये है मेरी आज की कट ऑफ आपकी पीस टेक्नीशियन वालों बच्चों के लिए। तो जनरल कट ऑफ जो रहने वाली है 62 से 66 नंबर रहने वाली है। इसमें माइन्यूट चेंजेस होता है, देखिए 90% कट ऑफ ये रहने वाली है। इसमें थोड़ा बहुत अगर चेंज हुआ है तो आपका लक है, प्लस माइनस 1 मान सकते हैं, और अदरवाइज तो मेरे ख्याल से तो यही रहने वाली कट ऑफ, कोई चेंज में नहीं होने वाला है। OBC की बात करें 57 से 61 नंबर तक कट ऑफ जाने वाली है, इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होने वाला है। वहीं बात करें अगर SC वाले बच्चों की, तो ये 52 56 नंबर तक जाने वाली है आपकी टेक्नीशियन कट ऑफ। ST की बात करें तो 46 से 51 नंबर तक जाने वाली कट ऑफ। मैं दोबारा बताता हूँ, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए प्लस एयर ब्रेक सिस्टम वाले जो मैंने बताया आपका, जो उनके आपके गाड़ी में लग रहा था एयर ब्रेक सिस्टम, उसमें जो टेक्नीशियन पोस्ट होंगे उसमें आप लोग +5 जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें आप लोग +5 ऐड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन बच्चों के लिए। प्लस जिनकी भी इजी ट्रेड है, जैसे कि आपका RAC हो गया, वेल्डर हो गया, इनके आप +-2 यहाँ से माइनस कर सकते हैं, +2 यहाँ से माइनस कर सकते हैं, +2 यहाँ से माइनस कर सकते हैं, +2 यहाँ से माइनस कर सकते हैं इजिली। तो टेक्नीशियन का देखिए जो भी रिजल्ट आने वाला है, बता दूँ इसी के आसपास अब कट ऑफ रहेगी। जनरल के लिए 62 66 नंबर, OBC के लिए 57 से 61 नंबर, SC के लिए 52 से 56 नंबर, ST के लिए 46 से 51 नंबर। इसके आगे पीछे कट ऑफ कहीं भी नहीं जाने वाली है। तो आप लोग जिन बच्चों के भी अगर 60+ अगर जनरल में है, 60+ मार्क्स आ रहे हैं, तो वो सिलेक्शन के लिए इजी क्वालिफाई कर जाएगा। मेरी 100% आप गारंटी रखिए इस बात का, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। SC कैंडिडेट है 40+ आ रहे तो हो जाएगा सिलेक्शन, SC के लिए 52 50 से+ है तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो ये बात हो गई आपकी। लेकिन अब बात करते हैं आपके PCM कैंडिडेट की। तो देखिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ है, मैं बता दूँ आपको, सिलेक्शन लेना यहाँ बहुत टफ है। सिलेक्शन इज नॉट ईजी प्रोसेस, बिकॉज टोटल 4000 समथिंग पोस्ट है यहाँ पे, केवल 4000। 21 RRB की जोन है, यानी हर RRB जोन में 200 पोस्ट भी नहीं है। इलाहाबाद जैसे जोन में 198 पोस्ट हैं, बच्चे लगभग लगभग 76,000 बच्चे हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। वहीं बात करें भोपाल में 200+ सीट्स हैं, वहाँ पे लगभग लगभग 1 लाख बच्चे इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है। मैं कट ऑफ आपको ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं बता दूं उसमें +-2 आप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ ही कट ऑफ ज़्यादा जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। बिकॉज ये टफेस्ट माना जा रहा है जो PCM ट्रेड है, इसमें बहुत कंपटीशन है। बिकॉज SSC के जितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं सारे बैठे हैं, और सब 80+ मार्क्स लेके आए हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो इन बच्चों का सिलेक्शन तो बहुत ही टफ होने वाला है, बता दूँ आपको मैं इस चीज़ पर सिलेक्शन। तो आइए देखते हैं PCM कट ऑफ क्या रहने वाली। देखिए PCM कट ऑफ जो मैंने लिया है, जनरल कट ऑफ जो है 77 से 83, इसमें आप +-2 कर लीजिएगा, बिकॉज ये कट ऑफ बढ़ सकती है, मुझे लग रहा है 85 तक, लेकिन मैंने 85 जान में रखी, बिकॉज बहुत से लोग फिर सवाल उठाएंगे सर इतनी कट ऑफ कैसे जा चल जाएगी। और बता दूं आपको एक बात, ये मैंने रखी है आपके टफ जितने भी जोन है, चाहे वो इलाहाबाद हो, भोपाल, इलाहाबाद हो आपका, भोपाल हो, चेन्नई हो, देन आपका मालदा हो, कोलकाता हो, अजमेर हो, उन सब जोन के लिए मैंने कट ऑफ रखी है। बाकी जो भी सेफ थोड़े इनसे सेफ जोन है, जैसे कि आपका गुवाहाटी, उन सबके लिए 5 नंबर कम जाएगी कट ऑफ। OBC की बात करें तो 73 77 नंबर जाने वाली है। SC की बात करें 68 से 72 नंबर तक जाने वाली है। ST की बात करें वही 62 से 66 नंबर तक जाने वाली है। इन पे आप +-2 कर सकते हैं, जैसे बैंगलोर जोन कट ऑफ है तो वहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, तो आप यहाँ +-5 कर सकते हैं। सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ -5 कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम की बात करें -5 कर सकते हैं। और आपके सेफर जोन में जो भी आते हैं उनमें आप -5 कर सकते हैं। बाकी जितने भी टफ जोन उनके लिए कट ऑफ यही रहने वाली है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होने वाला है।
तो यही थे आज आज की वीडियो में कुछ खास बातें जो मुझे बताना आपको बहुत जरूरी था, बिकॉज कट ऑफ से रिलेटेड बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं बस लगातार, सर मेरे इतने नंबर हैं, मेरी कट ऑफ कितनी जाएगी, इतने मेरे मार्क्स हैं कितनी कट ऑफ जाएगी, सर मेरे पार्ट ए में कितने हैं पार्ट बी में। और एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको कि पार्ट बी का क्या लोचा है। देखिए पार्ट बी में जिन भी मेरे भाई के, मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, पहले तो आपके 75 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, सपोज करिए आपके 26 मार्क्स आ रहे हैं, अगर 75 में से 100 में से आपके नंबर मान लीजिए 34 नंबर आ रहे हैं, तो आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स हैं पहले और दूसरे बात क्या रहे हैं वो मतलब नहीं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपके 35 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन है आपका पार्ट बी में, अदरवाइज आप फेल हैं। यानी कि आपके पार्ट बी में अगर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 35 प्लस आ रहे हैं तो आप पे पास हैं, अदरवाइज आप लोग फेल हैं। बार बार मुझसे कमेंट करके मत कहलवाइए कि आपका रिजल्ट दोबारा अपडेट होगा, रिजल्ट अपडेट जो होना तो वो अपडेट हो चुका है, अब कोई अपडेट नहीं आएगा। आप लोग एकदम बात को गांठ बांध के रख लीजिए, अब अपडेशन नहीं आएगा, ये फाइनल अपडेशन था रिजल्ट की तरफ से। अगर आपके 35 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप पास हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, अदरवाइज आप फेल हैं। देखिए थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे कहने में, लेकिन मैं अपने भाई को बता दूं कि आप लोग के लिए आखिरी उम्मीद नहीं थी, अभी आरआरबी का ग्रुप डी की 1 लाख वैकेंसी आई है, प्लस एनटीपीसी की 44,375 वैकेंसी है, आप लोग उसमें ट्राई करिए, एसएससी की वैकेंसी भी आ रखी है उसमें भी ट्राई करते, देखिए जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर एलपी में आपका सिलेक्शन नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी जिंदगी लड़ाई हार गई, आप कॉम्पिटिशन में तैयारी करना भूल ना करें, तो आप लोग प्रयास करते रहे, देखिए सक्सेस पाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, और डेफिनेटली प्रयास करिए मैं, बिकॉज हम आपके साथ रहेंगे, डीजी स्टडी क्लास आपके साथ है, ठीक है। देखिए कोई भी मेहनत करते ईट ईट से मकान बनता है, तो आप लोग बिल्कुल निराश ना हो, ठीक है, वक्त आएगा, वक्त जरूर आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा आपकी भी जॉब लगेगी जरूर। तो आज की वीडियो में इतना ही, और एक बात बता दूँ, रिजल्ट आपका 6 अप्रैल को आने वाला है, जो कि बता दिया आरबी एलपी ने, तो अप्रैल 6 का वेट करें आप लोग, 6 अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा 2019 में, और 16 अप्रैल से आपका जो है वो चलेगा एएलपी का CBT 3, यानी CBT 3 की जो डेट है वो आपकी 16 अप्रैल रहने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतने, तब तक के लिए धन्यवाद।